केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। एक ओर जहां देश 5G नेटवर्क और मेट्रो जैसे कार्यों की चर्चा कर रहा है, लेकिन उन सबके बीच ग्रामीण क्षेत्रों का एक तबका ऐसा भी है जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। वहीं दूसरी ओर सिमडेगा जिला के कई गांवों में आज भी सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को खाट पर लिटाकर कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है ताकि उसका इलाज कराकर उसकी जान बचाई जा सके। ऐसा ही मामला ठेठी टांगर प्रखंड के ताराबोगा पंचायत अंतर्गत कुरुम डेगी गांव का है, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। गांव के फिरू सिंह कुरुम डेगी निवासी सोमवार रात अचानक बीमार पड़ गए। गांव तक पहुंचाने के लिए सड़क नहीं है क्योंकि बीच में नदी है जिस पर अब तक कोई पुल नहीं बन पाया, और ग्रामीणों के सहयोग से फिरू सिंह को खटिए के सहारे धोकर करीब 1 किलोमीटर पैदल सफर तय करते हुए सड़क तक पहुंचाया जा सका ताकि समय से उसका इलाज हो सके। खासकर ये समस्या बारिश के दिनों में ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बारिश का पानी उतरने के कारण गाड़ियां पार नहीं हो पाती हैं। अगर एक छोटा पुल बन जाता तो इन ग्रामीणों की समस्या दूर हो जाती। मेट्रो और नेशनल हाईवे ना सही, लेकिन एक छोटी पुलिया बन जाने से गाँव में एक पक्की सड़क तो बन जाती है और विकास के जो सपना ग्रामीण देखते हैं उसे पूरा कर और उस पर एक पायदान तो और जुड़ जाता। हालांकि ये खबर में उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द ही उस जगह का सर्वे कराकर जो भी प्रक्रिया आवश्यक होगी उसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। मेरा घर है तीसिया। हम बहुत परेशानी से लाए, हम लोग 4 आदमी ढो के लाया थी खाटी में, हम लोग बांध के उसको ढो के लाए। अब बहुत दिक्कत से हम लोग लाया थी, पूरा नदी में भी बाढ़ उतर गया था। उस नदी में हम लोग अति 5-6 आदमी की इधर से पकड़ के हम लोग पार किए, पार भी नहीं होने सक रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग फिर चले गाड़ी, हम लोग का वहाँ टेटू नदी के पास रुका था, बूढ़ा नदी नहीं गया तो टेटू नदी हम लोग आए। उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस में बैठा है, उसके बाद हम लोग लेके आए यहाँ महुआ डांग। कितना किलोमीटर पैदल चले होंगे? हम लोग पैदल चले 7-8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पैदल? 8 किलोमीटर। क्या स्थिति है गांव का? गांव का स्थिति तो बहुत खराब है, कुछ रोड का साधन भी नहीं है। कितना परेशानी होता है बरसात में? बरसात में तो बहुत परेशानी होता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।